40 दिन लगातार खा ले और एक गिलास दूध पी ले, इसके ऊपर गाल लाल हो जाएंगे। पूरा वर्ल्ड दीवाना है ब्रज का। तो ये बात तो बड़े भांग छान ले बाबरे और किया कर ले लाल। क्या बात है, गोपाल को तो झक मारे गोकाल। क्या बात है, क्या बात है। भी ऐसी बेटे इसके साथ में और कहीं नहीं मिलेगी ये आगे अलावा। टेस्ट करके देख ले, पूरा मुंह खुल जाएगा, तबीयत खुश हो जाए। पूरा वर्ल्ड दीवाना है ब्रज का। हाँ, और फुर्सत मिली वो ब्रज में आया तो जिस इलाके का जो आदमी आता है उसको वही आइटम चाहिए प्यारे। तो मतलब एमपी वाले आएंगे तो उनको आप चिरवा खिलाओगे? तो पोहा जलेबी चाहिए एमपी वाले को, पोहा जलेबी दोगे। और जो गुजरात से आएंगे उनको फाफड़ा और फाफड़ा जलेबी चाहिए उनको। और ढोकला भी सेल करते हो यहाँ पे? ढोकला ऐसा कि गल्लप का गद्दा फेल। अच्छा, गद्दा फेल हो जाएगा, गल्लप का गद्दा फेल। बाकी टाइमिंग क्या रहती है अंकल जी? 6:30 से स्टार्ट होता है और लास्ट 2 बजे तक। तो 2 बजे के बाद आप कहाँ जाते हो फिर? 2 बजे बात तो बड़े भांग छान ले बाबरे और किया कर ले लाल। क्या बात है, गोपाल को तो झक मारे गोकाल। क्या बात है, क्या बात है अंकल जी। भांग तो प्रसाद है यहाँ का। यहाँ का प्रसाद है? कहाँ से आए हो? बरेली, यूपी। देखो बरेली से आए हैं मथुरा में, तो पूरा दीवाना है वर्ल्ड यहाँ की। मथुरा आते हैं, कचौड़ी खाने जरूर आते हैं। अच्छा, इनकी कचौड़ी खाने जरूर आते हैं। अरे इनका तो पूरा ब्रह्मांड दीवाना है इनकी कचौड़ियों का। तो जैसे गुजराती को गुजरात में सुबह सो के उठा उठते उसको फाफड़ा दिखने लगता है। जी जी, ऐसे ही ब्रजवासी को सुबह उठा उठते उसको क्या कि कचौड़ी से मंजन करूंगा और साग से कुल्ले करूंगा। वाह वाह, तो अभी ये क्या आ गया, झोल आ गया क्या? हाँ जी, झोल आया बेटे। वाह, धाम की जय। जय हो बांके बिहारी की। तो ऐसा क्या खास रहता है इस झोल में? इस झोल में सारे आइटम डले हुए हैं लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं दिखेगा? दिखेगा कुछ भी नहीं। तो क्या क्या डालते हो ऐसा यहाँ पे? एक लाल मिर्ची प्रदूषण जो भी आइटम है, प्रदूषण के जो बॉडी को नुकसान करे वो आइटम हम डालते नहीं है। आप नहीं जानता आइटम वो डालते हैं जो बॉडी में चार चांद लगाए। वाह वाह, नहीं जान पाओगे। तो मैंने सुना है कि यहाँ की कचौड़ी कहीं भी ले जाओ खराब नहीं होंगी। एक हफ्ते खराब नहीं होगी। एक हफ्ते गारंटी है इस बात की? हाँ गारंटी है बेटे, पैसे देके मत जाना। एक हफ्ते जब तक चल जाए दोबारा यमुना जी तुझको यहाँ बुलावे तब पेमेंट करके जाना। और मैंने सुना है आप फ्री में भी कचौड़ी खिला देते हो। इसका मसाला दे। क्या बात है, बना हुआ मसाला मूंग दाल का। इतनी बड़ी जलेबी कैसे है ये? बड़ी जलेबी और बड़ा मजा। क्या बात है, ये जलेबी नहीं जलेबा है। ये जलेबा है? ये जलेबा है, जलेबी नहीं है। तो आप ये भी खाते हो? यही तो पसंद है, जलेबी हर जगह मिल जाएगी। ये नहीं मिलेगा हर जगह, जलेबा नहीं मिलेगा, जलेबी ये यही मिलेगा, ये मथुरा में ही मिलेगा केवल। जलेबी तो आपको पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएगी। क्या बात, जलेबा नहीं मिलेगा। और भैया ये झोल के बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपकी, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा झोल नहीं मिलता। हाँ प्यारे, सिर्फ चतुर्वेदी ब्राह्मण ही बना सकता है, केवल चतुर्वेदी ब्राह्मण नहीं बना सकती। इतना बड़ा जलेबा है? तो ये देसी घी में बनता हुआ ये? हाँ बेटे, देसी घी में। क्या बात, 40 दिन लगातार खा ले और एक गिलास दूध पी ले, इसके ऊपर गाल लाल हो जाएंगे। लाल लाल कर दोगे आप? लाल हो जाएंगे।